हाँ तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं अच्छा होगा। तो अगर पबजी न्यू स्टेट क्यूट के साथ आ गए हम लोग वापस। से भाई बात करते हैं कि यार फाइनली हम लोग सोलो रैंक पुश स्टार्ट कर चुके हैं। और बात करते हैं कि यार सोलो रैंक पुश का नाम सुनकर भाई आप में से काफ़ी लोग बोलोगे कि यार मतलब सोलो में मज़ा नहीं आता यार, तुम बॉट वगैरह को दिखाओगे। तो भाई आपको एक चीज़ बता दूं कि ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो भी गेम प्ले डालूंगा भाई उसमें केवल और केवल इंटेंस सिचुएशन ही होने वाली है। अब जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं लेके बता देता हूँ आपको, जैसा कि ये वाला वीडियो, इसमें टोटल 5 गेम प्ले हैं, यानी आपको 5 चिकन डिनर देखने को मिलेंगे भाई एक ही गेम प्ले वीडियो में। बिकॉज कि मेरे को भी पता है भाई सोलो में बॉट आते हैं और भाई आप लोग वो देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद करोगे। इस वजह से मैं एक दिन में जितने भी गेम प्ले वगैरह खेलता हूँ, जितने भी गेम खेला 2, 4, 6, उनमें से आपको जितने भी अच्छे गेम्स जाएंगे और जिनमें इंटेंस सिचुएशन होगी, बंदों से हम लोग अच्छी सी फाइट निकालेंगे, वही सीन आपको देखने को मिलेंगे। और भाई उम्मीद करते हैं आपको वो सीन पसंद आएंगे। अब भाई अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैं स्क्वाड का गेम प्ले क्यों नहीं डाल रहा हूँ, तो भाई वो भी आगे डिस्क्राइब कर दूंगा। बट उससे पहले ये वाला सीन देखो। अब यहाँ पर मेरा पिंग बिल्कुल अनस्टेबल था और अपने पीछे भी एक बंदा और सामने स्नाइपर टावर वाला बंदा मेरे पे क्लोज इन डाल रहा था। तो भाई यहाँ पर देखो इसको कैसे मारते हैं। अभी ये स्मोक हटने वाला था तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्मोक करते हैं और उसके बाद इस बंदे को देखो। तो ये वाला बंदा काफ़ी अच्छी ट्राई करता है बचने की, बट एट द एंड मार देते हैं। और भाई सामने केवल एक बंदा बचा था जिसको मारने के लिए हम लोग आ जाते हैं दूसरे साइड पर लास्ट जोन में, और भाई इस वाले भाई को भी इजीली क्लियर करते हैं। अब भाई इसको जैसे ही क्लियर करते हैं केवल और केवल एक बंदा बचता है, और उस बंदे को ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर रूफ टॉप पर जाने वाला था, बट उतने में भाई वो वाला बंदा जोन से चला जाता है, शायद ऑफलाइन हो गया हो। और बात करते हैं यार अभी इस सेकेंड गेम प्ले की, जिसमें कि भाई मतलब जितने पहले के सीन थे वो सारे मैंने कट कर दिया जैसा आपको बताया मैंने पहले ही। और रही बात स्क्वाड के गेम प्ले, तो भाई देखो मैं पूरे दिन में 2 से 4 घंटे ही गेम खेलता हूँ। मैक्सिमम आप 4 आवर्स ले सकते हो और भाई मिनिमम 1 आवर ले सकते हो जो मैं गेम खेलता हूँ। तो उतने में भाई किसी एक ही चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, या तो स्क्वाड का गेम प्ले निकाल लूँ या सोलो कॉन्करर रैंक पुश कर लूँ। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि सोलो कॉन्करर रैंक पुश करते हैं, और जिसमें कि भाई जितने भी इंटेंस सीन होंगे वो सारी आपको दिखाई जाएंगी और भाई कोई भी बेफिजूल का आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर भाई आप लोग देख सकते हो कि लास्ट का जोन था और भाई सामने एक बंदा था, और इसको देखो मतलब भाई ये वाला टैप टैप अगर आपको पसंद आया तो भाई ज़रूर से एक लाइक कर देना। और भाई आप लोग बताना कि आप लोग DMR में कौन सी गन पसंद करते हो चलानी। अब यहाँ पे भाई इस वाले बंदे को मारने को बहुत ही अच्छा मौका मिला था, बट भाई मिस हो जाता है। और उसके बाद भाई मेरे को जोन के अंदर जाना था और उस वाले बंदे को भी जोन के अंदर आना था। तो देखो अपनी लास्ट जोन की फाइट, और ये वाला बंदा भाई बांग्लादेशी था और इसका साउथ एशिया में काफ़ी गंदा लैग हो रहा था। बट भाई को एट द एंड आराम से मार देते हैं और ये अपना सेकंड चिकन हो जाता है। यहाँ पर अब बात करते हैं यार इस वाले गेम प्ले की, तो इस वाले गेम प्ले में मेरे साथ आगे जाकर काफ़ी गलत सीन होता है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। बट उससे पहले इस वाले बंदे को ध्यान दो कि मतलब एक बॉट को मारने में बंदा इतना बिजी हो जाता है कि भाई उसके बंदा एक पीछे से उसको मारता है, उसको कोई भी आइडिया ही नहीं लगता। अब ये वाला भाई बॉट को मारने में इतना व्यस्त था कि भाई इसके पीछे से मैं इस पर एक शॉट लेता हूँ जो कि इसके बगल से निकलता है, बट भाई बंदे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और भाई सेकेंड टाइम हम लोग इसको आराम से किल कर देते हैं। अब भाई ये वाला बंदा इस वाले बॉट को मारने में बिजी था, बट इसके बाद जो सीन होता है वो काफ़ी इंटेंस सिचुएसन है, बिकॉज कोई बराबर का एनिमी मिला था जो कि भाई सेम माइंडसेट के साथ खेल रहा था। अब यहाँ पर देखो आपको सामने गाड़ी स्पॉट हुई होगी और बंदा, और इससे हम लोग फाइट लेते हैं। और भाई जो मैं कर रहा था वही सेम चीज़ ये बंदा भी कर रहा था, बट एट द एंड तुम्हारे भाई ने इसको आराम से मारा। सीन देखो। अब इस वाले भाई ने ट्राई तो अच्छा किया था मारने की, बट एट द एंड भाई
मेरी मॉली से ये आराम से किल हो जाता, और मेरे को भी इसने कुछ डैमेज दिया था, बट कोई ना। आते हैं इसके बाद यार हम लोग लास्ट सीन में। अब यहाँ पर टोटल 3 बंदे बचे थे मेरे को मिलाकर, और एक बंदे की लोकेशन तो मेरे को पता थी, बट मेरे साथ जो सीन होता है भाई बहुत ही गलत है। अब भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे को आए मुश्किल से 30 सेकंड हुए थे, और उतने में ये वाला बंदा आ जाता तो ईजिली किल कर देता मेरे को। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे गेम प्ले। तो यहाँ पर हम लोग भाई ड्रॉप पे आए थे, और ये वाला बंदा स्पॉट होता तो भाई देखो इससे क्या ही स्नाइपर स्नाइपर खेलते हैं। तो ये वाला बंदा काफ़ी सोच रहा होगा कि स्नाइपर से आराम से किल कर देंगे, बट एक प्यारा सा हेडशॉट मारते हैं और उसके बाद इसकी लूट वगैरह लेते हैं, और उतने में ये बंदा पीछे से आ जाता है। तो इसको देखो आराम से कैसे मारते हैं। अब भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत जा रहा था, बिकॉज मेरे को लगा कि वो बंदा थोड़ा सा राइट में, बट एट द एंड वो स्पॉट हो जाता, और इस पर भी स्नाइपर थी। तो इस वाले भाई को भी देखो आराम से हेडशॉट मारते हैं। तो इस वाले भाई को एक प्यारे से हेडशॉट के साथ इजीली क्लियर कर देते हैं, और भाई उसके बाद सामने ये वाले बंदे को देखना, मतलब भाई अचानक से गायब हो जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को मिलता है लास्ट जोन में। अब यहाँ पे भाई इस कंपाउंड में मैं आता हूँ, और तब तक मेरी जो भी गाड़ी थी उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो भाई ड्रोन से हम लोग बैटरी मंगाते हैं, और उसके बाद रिफ़िल करके भाई बंदे को ढूंढने जाएंगे। और भाई ये वाले बंदे से भी अच्छी फाइट निकलती है, और बंदा काफ़ी सही खेल रहा था, बस देखते जाओ भाई यहाँ से आगे तो निकल जाते हैं, बट बंदे को स्पॉट करने की ट्राई कर रहे थे, और एट द एंड बंदा स्पॉट होगा भी। भाई जैसे ही बंदा स्पॉट होता है इस पर फायर वगैरह लेंगे, और आप लोग खुद देखो कि आगे क्या सीन होता है। अब यहाँ पे इस वाले भाई को काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दिया था, और इसके बाद इस पर रस करते हैं और आराम से जाके क्लियर करेंगे। और ये अपना भाई तीसरा चिकन था, भाई बात करते हैं अपने लास्ट गेम प्ले की। तो भाई यहाँ पर आप लोग सीन देखो, लास्ट जोन में भाई मैं एक कंपाउंड होल्ड करके रखा था, और उतने में ये वाला बंदा निकलता है, और भाई इसको आराम से अगेन हम लोग किल कर देते हैं। और ये वही बंदा था जिसको हम लोग इसी गेम प्ले में भाई पहले भी मार चुके हैं, तो भाई इसके लिए तो एक लाइक ज़रूर से बनता है। अब बात करते हैं यार यहाँ से अपनी बारी थी निकलने की आगे, और ये वाला एनिमी मिलता, और जो कि काफ़ी ख़तरनाक खेल रहा था, बट एट द एंड तुम्हारे भाई ने इसको आराम से क्लियर कर दिया, बस आप लोग देखते जाओ। अब यहाँ पे भाई हम दोनों गाड़ी घुमा रहे थे, और भाई एट द एंड वो वाला बंदा भी रुक जाता, और मैं भी इस सैक के कवर पर रुकता हूँ और उसको मारने की ट्राई करता हूँ, बट भाई मेरे पे इतने नेड वगैरह कुछ थे ही नहीं जिससे मैं इसको मार सकूँ, बट उस वाले बंदे पे अच्छे खासे नेड वगैरह थे, तो वो ट्राई करता है। बट भाई नेड वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये वाला बंदा मेरे पे क्लोज इन करता है, और इसको अच्छा खासा हम लोग फायर देते हैं। और भाई इस वाली गाड़ी में जैसा आपको पता होगा कि गाड़ी से बंदे उतारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज इसमें जो है सामने भी ग्लास है, और भाई आप लोग बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस नोवा कार से भाई आप एनिमी को उतार पाओ। बट यार ये वाला बंदा सामने जाकर रुक जाता, और इस पे मैं फायर वगैरह तो बहुत ही आराम से ले रहा था, बट यहाँ पे मैं ये मिस कर दिया था कि भाई उस वाले बंदे पे ऑलरेडी जोन है और मेरे को जोन में जाना है, बट जो मेरे को जोन में जाने के लिए हेल्प कर सकता था वो चीज़ मेरे को मिल जाती कि इस वाले बंदे को थोड़ा सा डैमेज देते हैं और इस पर क्लोज इन करके इसको आराम से क्लियर करेंगे। आप लोग देखते जाओ। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, और अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर कर दो। और भाई ये चीज़ ज़रूर से बताना कि भाई आपको ये आइडिया कैसा लगा कि सोलो रैंक पुश भी हो जाएगी अपनी और आपको गेम प्ले में भी मज़ा आएगा। ये चीज़ आप अपना ओपिनियन इसके बारे में ज़रूर से बता देना।